गंदा काम किया है कॉलोनी के लिए, बहुत शर्मनाक काम है, ऐसा आगे से कभी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल निंदनीय कार्य किया है जिसकी बिल्कुल उम्मीद ही नहीं थी। ये सार्वजनिक स्थल है, यहाँ हमारा उनका सबका अवंतिका वासियों का सबका पूरा ये बहुत निंदनीय, बहुत शर्मनाक हरकत है। हर आदमी को अधिकार है, यहाँ पे बाकी के भी बहुत सारे बोर्ड लगे हुए हैं और ये अगर कोई धार्मिक कार्यक्रम है इसलिए कोई भी बोर्ड लगा सकता है। ये काम नहीं होना चाहिए। देखो एक्चुअली बात है, बैनर तो भगवान की फोटो, हम कौन होते हैं भगवान की फोटो को मंदिर से हटाने। पंडित जी निर्मल गंगा जल वाला एक यहाँ पे लगा हुआ था, वो बैनर लगा हुआ था, वो किसने निकाला? आप एक निकालते हुए दिखाई दे रहे हो उसमें। समिति ने आदेश दिया इसको हटा दे। यूवी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। अवंतिका में ARWA की मनमानी और गुंडागर्दी किस हद तक बढ़ गई है आप सभी लोग देख रहे हैं, और मैं अवंतिका के लिए ही मैं स्पेशली ये न्यूज़ आपको लेकर आया हूँ कि आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो सके और आप लोग सच्चाई जान सकें। जो भी ARWA के वर्तमान पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष हैं और भी लोग हैं, जो वे पहले समाजवादी पार्टी में रह चुके हैं और अभी दो तीन साल पहले उन्होंने भाजपा ज्वाइन करी है, मगर उनका जो काम करने का तरीका है वो पूरी तरह से समाजवादी पार्टी की तर्ज पर है। वे पूरी तरह से समाजवादी पार्टी की तर्ज पर काम कर रहे हैं, उसी तरह गुंडागर्दी कर रहे हैं, उसी तरह लोगों को धमका रहे हैं, और ताकि उनका वजूद बना रहे। और इस सब के लिए हम और आप दोनों लोग बराबर के दोषी हैं, क्योंकि हमने ही इनको इस गद्दी पर बैठा है। बिना किसी को सूचना दिए, बिना किसी को इन्फॉर्मेशन दिए, इन्होंने कब अपनी कार्यकारिणी चुन ली किसी को नहीं मालूम। यहाँ अवंतिका में जितने भी लोग हैं वे सभी जानते हैं कि जो इन्होंने दिखाया है कि अक्टूबर 2021 में इन्होंने चुनाव कराए हैं ARWA के, निर्विरोध चुने गए हैं। हमें धिक्कार है अपने ऊपर कि इनके खिलाफ लड़ने के लिए कोई क्यों नहीं आता है, केवल डर के मारे। इन्होंने आपको डरा दिया और आप डर गए। आप इतने ज़्यादा बुजदिल हैं क्या? नहीं, आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। जब तक आप आवाज़ नहीं उठाएंगे इनके खिलाफ, तब तक ये इसी तरह सर उठाते रहेंगे और ये ताकतें मजबूत होती रहेंगी। मैं आपको अभी का किस्सा बताता हूँ, आप देखिए। अभी उत्थान के लोग 1100 लीटर गंगा जल ब्रज घाट से लाए थे, जो कि यहाँ पर शिवरात्रि पर दोनों दिन वितरित किया गया। उसके बाद जो गंगा जल बच गया उसको मंदिर के प्रांगण में रख दिया गया कि यहाँ पर बैनर के साथ में कि बैनर लगा दिया गया कि यहाँ पर गंगा जल उपलब्ध है, अगर जिस भी श्रद्धालु को चढ़ाना है तो वहाँ से गंगा जल लेकर चढ़ा सकता है। लेकिन इनको वो रास नहीं आया, क्योंकि इनको अपनी जमीन खिसकती हुई नजर आई। आपको क्या लगता है कि इन्होंने ठीक करा, ARWA ने बैनर निकाला है आज? बिल्कुल निंदनीय कार्य किया है जिसकी बिल्कुल उम्मीद ही नहीं थी। ये सार्वजनिक स्थल है, यहाँ हमारा उनका सबका, अवंतिका वासियों का सबका पूरा हर कोई आजाद है कीर्तन भजन कुछ करने के लिए, जबकि यहाँ हर चीज के लिए पहले परमिशन लो कंसल जी से, हर बात के लिए पर्ची कटाइए। क्यों कटाई हुई पर्ची और क्यों ले परमिशन, क्यों ले परमिशन? ये बहुत निंदनीय, बहुत शर्मनाक हरकत है। हर आदमी को अधिकार है, यहाँ पे बाकी के भी बहुत सारे बोर्ड लगे हुए हैं और ये अगर कोई धार्मिक आयोजन है इसलिए कोई भी बोर्ड लगा सकता है। इस बात पर क्यों ध्यान दिया जाता कि मंदिर कितना गंदा है? मंदिर के अंदर सफाई होनी चाहिए, मंदिर के अंदर कोई व्यवस्था नहीं है। बिछाने वाली चीजें जो उनको कभी धूप नहीं दिखाई जाती, उन्हें कभी झाड़ा नहीं जाता, उनकी कोई ड्राई क्लीनिंग नहीं होती, कुछ नहीं होता है सिवाय सिर्फ मंदिर में राजनीति होती है। हम इस मंदिर से राजनीति को हटा दें और बिल्कुल इसको स्वतंत्र करना चाहते हैं। ये काम नहीं होना चाहिए। देखो एक्चुअली बात है, बैनर तो भगवान की फोटो है, हम कौन होते हैं भगवान की फोटो को मंदिर से हटाने? बिल्कुल ठीक है ना, गंगा जल है ये सबके लिए है, कोई यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है कि उस ग्रुप के लिए है या इस ग्रुप के लिए, हम सब अवंतिका वासी। तो ये देखिए अभी गंगा जल यहाँ पे है, रोज मैसेज चल रहे हैं, हम लोग भी जला चढ़ाते हैं, यहाँ का गंगा जल पवित्र गंगा जल आया हुआ है और ड्रम अभी रखे हुए हैं, आप देखिए ड्रम रख रखे हैं और बार बार ग्रुप्स में मैसेज जाता है अवंतिका के लोगों के लिए, और लोग बड़ी खुशी खुशी अपने यहाँ से ही नहीं बाहर से भी आते हैं जल चढ़ाने के लिए, घर भी ले जाते हैं। तो जब तक सावन चल रहा है तब तक जल यहाँ पे रखा रहा है, ये पहले भी पता है उन्हें,
पर इन्होंने आज सीसीटीवी कैमराज में बैनर निकाल के कि समिति के लोग आए, 4-5 लोग इनके जो समिति के थे और उनके सपोर्टर्स, वो आए और यहाँ से बैनर निकाल के ले गए। फिर इसी के जस्ट बाद भागवत का कार्यक्रम था जो कि 1 तारीख से शुरू होनी थी, श्रीमद् भागवत कथा, जो कि बड़े सौभाग्य से ईश्वर की कृपा से लोग करवा पाते हैं और लोग सुन पाते हैं। इन्होंने कथा में व्यवधान डालने के लिए, ताकि वो कथा ना हो पाए, जानबूझकर इन लोगों ने 1 दिन पहले विवाद उत्पन्न कर दिया, क्योंकि इनको मालूम है, क्योंकि ये पुराने खिलाड़ी रहे हैं दांव पेच चलने के, कैसे किसको फंसाना है किस केस में, फर्जी केस में। तो इन्होंने दांव चला कि इन्होंने वहाँ मंदिर पर लगा बैनर फाड़ दिया। उस बैनर में चूँकि भगवान की फ़ोटो थी, शिव परिवार था, गंगा मैया की फ़ोटो थी, तो लोगों में नाराज़गी उत्पन्न होना स्वाभाविक है। महिलाएं काफ़ी नाराज़ हुई, नाराज़ होकर वे जब मंदिर पहुंची तो इन लोगों ने मना कर दिया कि हमने कोई बैनर नहीं फाड़ा है। महिलाओं ने कहा ठीक है, आपने अगर नहीं फाड़ा है तो आप हमें CCTV की फुटेज आप दिखा दीजिए। लेकिन अब उसमें भी इनको एतराज़ था, CCTV की फुटेज वो क्यों दिखाएं? इनके चेयरमैन साहब ने मंदिर के मना कर दिया कि मैं CCTV की फुटेज नहीं दिखाऊंगा, मेरे पास उसका पासवर्ड नहीं है, पासवर्ड किसी और के पास है, कोई और आया तो क्यों दूंगा मैं आपको पासवर्ड, पासवर्ड मांगा गया आप पासवर्ड दे दो, हम खुद ही देख लेंगे। इन्होंने खैर मना कर दिया कुल मिलाकर कि पासवर्ड हमारे पास नहीं है, हम नहीं दिखा पाए। उसे जो है फुटेज दिखा। जब इनसे बहुत प्रेशर डाला गया तो इन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं बात करता हूँ, पासवर्ड के लिए इंतजाम करता हूँ, देखता हूँ, पासवर्ड मिल जाता है तो मैं आपको देता हूँ। अगर आप सही हो तो आप क्यों नहीं दिखाना चाहते हो CCTV की फुटेज? सबसे बड़ी बात ये है। तो उसका कोई कोड वर्ड तेरे पास ही है, हमारे पास क्या है? तो उसका कोई कोड वर्ड तेरे पास ही है, हमारे पास क्या है? जब इन्होंने फ़ोन किया, फ़ोन करते करते ये मंदिर के बाहर की तरफ जाते हैं और मंदिर के बाहर जाते जाते कि आवाज़ नहीं आ रही, यहाँ बहुत शोर है, करते करते मंदिर के बाहर जाते हैं ताकि ये अपनी बात को अपने लोगों तक पहुँचा सकें। लेकिन इनको नहीं मालूम था कि इनके पीछे पीछे कैमरा भी चलता है। इनकी सारी बात रिकॉर्ड हुई, आप देख सकते हैं कि इन्होंने कैसे वहाँ पर कह रहे हैं कि आप लोग आ जाओ यहाँ पर और आज इन लोगों को आप दिखा दो। तो भाई आओ, सब इकट्ठे होते हैं, दिखा दो, सारे आना पड़ेगा, वैसे नहीं बनेगी बात। प्रोवोक करने का काम कौन कर रहा है, किसने माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया, आपको इनकी इस क्लिप से आपको मालूम हो जाएगा कि इन्होंने किस तरीके से मंदिर का माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया। तो भाई आओ, सब इकट्ठे होते हैं, दिखा दो, सारे आना पड़ेगा, वैसे नहीं बनेगी बात। मंदिर एक सार्वजनिक जगह है जहाँ पर आप किसी को भी पूजा पाठ करने से नहीं रोक सकते, भगवान सबके हैं, किसी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के भगवान नहीं हैं। इन्होंने जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपनी बना रखी है कुछ चुनिंदा लोगों को लेकर के और सब जगह इन्होंने कब्जा कर रखा है कि अवंतिका के अंदर कोई भी कार्यक्रम बिना इनकी सहमति के, बिना इनकी अनुमति के नहीं हो सकता है, जो कि सदासद गलत है। हम यहाँ के निवासी हैं, हमें हर चीज़ जानने का हक है, हमने इनसे हिसाब मांगा, इन्होंने आज तक हिसाब नहीं दिया, बल्कि लोगों को गुमराह करने का काम किया। और कैसे लोगों को गुमराह करके दूसरी दिशा में ले जाया जाए, कैसे हम लोगों के ऊपर झूठे आरोप लगाए जाए, कैसे हम लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाया जाए, केवल इस दिशा में इनकी कार्य प्रणाली चलती रही और इसी दिशा में कार्य करते हुए इन लोगों ने पूरी कोशिश करी कि कैसे इन लोगों का विकास कार्य रुक जाए और हम यहाँ पर फिर से राज कर सके। इसीलिए इनको हमारा विकास करना नज़र नहीं आया, और नज़र आया तो इनको अच्छा नहीं लगा। जब महिलाओं ने CCTV फुटेज इन्होंने नहीं दिखाई तो किसी तरह अंदाज से पासवर्ड आदमी सोचता है कि चलो एडमिन होगा पासवर्ड, या Admin 1 होगा, Admin 1, 2, 3 होगा, इस तरह से करके पासवर्ड से वहाँ पर उसको क्रैक किया गया, डिकोड किया गया। डिकोड करने के बाद में जब देखा गया तो उसमें RWA के अध्यक्ष के साथ में उनके और भी साथी वहाँ मौजूद हैं जो कि बैनर को फड़वा रहे हैं, साफ दिखाई दे रहा है। उसकी फुटेज हम लोगों ने पुलिस में भी दे दी है कंप्लेंट के साथ में, और
कि इन्होंने जो महिलाओं के साथ अभद्रता की वो भी सारी चीज़ें, महिलाओं ने किस तरह से वहाँ पर उम्मीद लगाई थी कि चलो अब मंदिर में भागवत कथा होने जा रही है और एक अच्छा माहौल बनेगा। हर महिला ही हमारे धर्म का, जो अगर कहा जाए तो अतिशयोक्त नहीं होगी, कि हमारे धर्म की रक्षा जो हो रही है आज महिलाओं के कारण ही हो रही है। और महिलाओं का सम्मान यहाँ अवंतिका में किस तरह किया जा रहा है सभी लोग देख रहे हैं, सभी महिलाएं देख रही हैं, सभी लोग देख रहे हैं कि पुलिस से महिलाओं को ही नोटिस भिजवा दिया गया। महिलाएं अपना मतलब आप बैनर फाड़ो, लेकिन कोई आपका विरोध भी नहीं कर सकता है, क्योंकि आप पुलिस बुला लोगे और पुलिस बुलाकर महिलाओं को नोटिस भिजवा दोगे। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आज तक अवंतिका के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि पुलिस बुलाकर महिलाओं को नोटिस भिजवाया गया, लेकिन इन्होंने सब कुछ किया। निजता की जो पराकाष्ठा होती है ये अब बिल्कुल पार कर चुके हैं। झूठी रिपोर्ट इन्होंने दर्ज करवाई वहाँ पर। इनका ये पुराना हथकंडा रहा है कि अगर कोई भी इनके खिलाफ खड़ा होता है, अगर वो सरकारी नौकरी में या प्राइवेट नौकरी में, तो इनका काम है कि ये उसकी जहाँ वो नौकरी करता है, जिस भी प्रतिष्ठान में या किसी भी कंपनी में नौकरी करता है, ये वहाँ पर झूठी कंप्लेंट करते हैं। कंप्लेंट किसी भी प्राइवेट कंपनी या सरकारी कंपनी में किसी कर्मचारी के खिलाफ, किसी अधिकारी के खिलाफ अगर कंप्लेंट आती है, बट नेचुरल है कि ये विभागीय कार्रवाई है कि उसके खिलाफ जाँच होगी, उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी जाँच में वो करी जाएगी। तो कर तो ये कुछ नहीं पाए हैं, लेकिन ये है कि इनका ये जो तरीका है वो आज तक सफल रहा है। ये इनका मॉडल है, बिल्कुल सफल रहा है। सफल इसलिए रहा है क्योंकि इन्होंने जिसकी भी शिकायत करी तो वो आदमी चुप होकर बैठ गया, इनके खिलाफ आवाज़ उठाने की उसकी हिम्मत नहीं, क्योंकि हर आदमी को अपनी रोजी रोटी प्यारी है। जिसने भी इनके खिलाफ आवाज़ उठाई उसको झूठे मुकदमे में इन्होंने फंसा दिया, झूठे आरोप मनगढ़ंत लगा दिए, पुलिस वालों से मिलकर पैसे खिलाकर वहाँ पर। कोई भी इन्होंने हथकंडा ऐसा नहीं है जो ना आजमाया हो अपने सत्ता में बने रहने के लिए। सबसे बड़ा दुख हमें ये हुआ कि हमारी बेटी, अवंतिका की बेटी और यहाँ की बहू भी, इन्होंने उसके घर को उजाड़ने का प्रयास किया। इनके लोग वहाँ पर गए, उसको धमकी दिलवाई, मतलब इससे ज़्यादा नीचता की पराकाष्ठा क्या हो सकती है? आप लोग अंदाज़ा लगाइए कि इनके लोग वहाँ जा कर के धमकी दिलवा रहे हैं किसी के। यहाँ पे अवंतिका में ज़्यादातर सब बहुएँ रहती हैं, सभी अपने ससुराल में रह रही हैं। अगर आप किसी के साथ भी अगर ऐसा करोगे तो कोई भी परिवार वाला नहीं चाहेगा कि हमारे ऊपर कोई इस तरह की बात आए या कुछ हो। यानी कि ये किसी का घर बिगाड़ने में भी नहीं चूक रहे हैं, कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं कि कैसे किसी का घर बर्बाद करके, किसी के रिश्ते खराब करके। मतलब अब इससे ज़्यादा नीचता क्या हो सकती है? कितने हद तक ये लोग गिर गए हैं आप इसका अंदाज़ा खुद ही लगा सकते हैं। आप सब लोग देख रहे हैं और सभी समझदार हैं आप लोग, ऐसा नहीं है कि कोई कुछ जानता नहीं है। हाँ, हम जानते हैं बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि इनके दबाव में या इनका डर के मारे इनके नहीं कुछ बोल रहे हैं, लेकिन समझ वो भी रहे हैं। बहुत से लोग मेरे को बताते हैं, पर्सनली मेरे को मैसेज करते हैं, पर्सनली मेरे को बात करते हैं कि नहीं, इन्होंने अति कर रखी है, बहुत ज़्यादा अति कर रखी है। लेकिन अब समय आ गया है कि सभी को खुलकर इनके खिलाफ सामने आना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर पाएंगे। अन्यथा पिछले 15 सालों में आप देख ही रहे हैं कि आपकी अवंतिका का क्या विकास हुआ। गड्ढे कहाँ हैं, सड़कें कहाँ हैं, ये बता पाना बहुत ही मुश्किल है। कितनी सड़कें बनी हैं यहाँ पर, सड़कों का क्या हाल है, ये सभी देख रहे हैं, सभी जानते हैं। इनकी नीचता क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो अब लोगों ने फैसला किया है कि इनकी जो पूरी टीम है, इनकी जो पूरी मंडली है, उसकी सोर्स ऑफ इनकम और इन लोगों की आपस में क्या लेन देन है, इन लोगों का क्या अवैध ट्रांजैक्शन है, किस तरीके से ये लोग आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कितने इनके प्लॉट हैं, कहां कहां पर इनका इन्वेस्टमेंट है, किस किस तरीके से इन लोगों ने दो नंबर को एक नंबर किया है, ये सारा सब कुछ, इसकी शिकायत ईडी से करी जाएगी और इनकम टैक्स में सब जगह करके। अब इनकी कुंडली, ये लोग कुंडली मांग रहे थे कि आप हमारी कुंडली दिखाओ, तो अब इनकी कुंडली हम नहीं दिखाएंगे, सरकार इनकी कुंडली दिखाएगी कि आप लोग किस तरह से आपस में जुड़े हुए हो, क्या लेन देन है, कहाँ पे किसका पत्थर सप्लाई हो रहा है, कहाँ पे कितना आपने दो नंबर की कमाई करी है, कितना आपने पैसा बचाया है,
इस पैसे को किस तरह से आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ये सब कुछ सारी कुंडली आपकी आएगी। इन्हीं में से एक के सुपुत्र हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनको भी मैं कहना चाहता हूँ कि वो भी होशियार हो जाएं, क्योंकि आप जो अनएथिकल प्रैक्टिस कर रहे हो और लोगों को इस तरह से आप गुमराह कर रहे हो और सरकार को मेन आप गुमराह कर रहे हो और गलत तरीके से लोगों को वो कर रहे हो, तो आपके खिलाफ भी शिकायत की जा रही है ICAI में, जो कि एक रेगुलेशन बॉडी है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को रेगुलेट करती है। तो आप लोग भी तैयार हो जाओ पूरे उसके साथ में, मैं तो कह रहा हूँ। बाकी फिर आपके ऊपर जो कार्रवाई होगी उसके जिम्मेदार आप स्वयं हो, क्योंकि अब सरकारी एजेंसियाँ ही आपको बताएंगी कि आप सही हो या गलत हो, अब सबकी कुंडली सामने आएगी, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भी होता है, ठीक है। और जब आपका सस्पेंशन होगा ICAI से, आपको बार किया जाएगा, तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि आपने किस तरह से सबको मैनेज किया हुआ है। तो सभी लोग पूरी तरह से तैयार हो, अब आपके दिन बहुत जल्दी पूरे होने वाले हैं। मैं फिर अवंतिकावासियों से निवेदन करूंगा कि आप लोग खुलकर सामने आए। इस हद तक लोगों को इसलिए जाना पड़ रहा है क्योंकि इन लोगों ने सारी सीमाएँ तोड़ दी। आप सोचिए कि आप दुश्मन के घर की बेटी को भी आप नहीं चाहेंगे कि इसकी बेटी का घर बर्बाद हो, लेकिन इन लोगों ने वो सारी सीमाएं तोड़ दी हैं। इनको ये नहीं परवाह है कि किसी की बेटी का जीवन बर्बाद करने में, किसी की बहू का जीवन बर्बाद करने में, किसी के रिश्ते अपने ससुराल में ख़राब करने में, इन लोगों ने पूरी ताकत लगा दी है। तो मजबूरन अब अवंतिका के कुछ लोगों को इनके खिलाफ जाना पड़ रहा है। अब तो लड़ाई शुरू हो चुकी है, तो अब देखना है कि ये लोग क्या करते हैं। आप आगे आइए, हम आपके साथ हैं। जो भी इनके खिलाफ सबूत है आप हमें दीजिए, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इनको अच्छे से सज़ा मिलेगी और अच्छे से इनको मालूम हो जाएगा कि कौन सही है और कौन गलत है। ये सबके सबको मालूम होना चाहिए। धन्यवाद।